24 जनवरी को बालिका दिवस है। इस दिन उत्तराखंड में कुछ खास होने जा रहा है। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी। जी हाँ, एक खबर के मुताबिक इस दौरान विधानसभा के रूम नंबर 120 में बाल विधानसभा आयोजित होगी। इस बाल विधानसभा में एक दर्जन विभाग अपनी प्रस्तुति देंगे। इसकी स्वीकृति और निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से दी गई है। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बुधवार को इस बाबत एक पत्र मुख्य सचिव ओम प्रकाश को प्रेषित किया गया। उन्होंने आगे बताया कि बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए आयोग ने 24 जनवरी को एक होनहार छात्रा को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है। बतौर मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही नामित विभाग के अधिकारी बाल विधानसभा में 5-5 मिनट अपनी प्रस्तुति देंगे। बाल विधानसभा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित होगी। सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार के बहादराबाद के दौलतपुर गांव की रहने वाली है। सृष्टि गोस्वामी BSMPG कॉलेज रुड़की से BSc एग्रीकल्चर कर रही हैं। आपको बता दें कि मई 2018 में बाल विधानसभा में बाल विधायकों की ओर से उनका चयन मुख्यमंत्री के रूप में किया गया था। गॉड न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।